हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सिल्वर मिनी में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, किस तरह से इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, हम उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ जो भी कंटेंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे वो सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहेंगे। वो आपको ट्रेडिंग से पहले रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करिए, क्योंकि ये जितना रिस्क देता है उससे ज़्यादा, जितना रिवार्ड देता है उससे ज़्यादा यहाँ पर रिस्क के भी चांसेस बनते हैं। तो ओवरऑल कंडीशन क्या रही है, हम यहाँ पर कॉमेक्स की भी स्टडी करेंगे, साथ में सिल्वर मिनी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नए हैं लाइक कमेंट करें, चैनल को फटाफट शेयर भी कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपके साथ आईपीओ वर्सेस एफपीओ का एक वीडियो शेयर किया है कि बेसिक क्या होता है, आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है। आप लोगों के रिस्पॉन्ड अच्छे रहेंगे तो मैं आपको जो स्टॉक्स होते हैं उसके विषय में मैं अपने व्यूज़ को देता रहूँगा। लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्ड अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो उस पर हम थोड़ा फोकस कम ही करेंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आ रहा है, उस डेटा को हम देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम है, ऑल टाइम हाई जो इसने लगा रखा है कॉमेक्स ने, सिल्वर माइक्रो का कॉमेक्स है, इसने ऑल टाइम हाई लगाया है 2021 में। सिल्वर के कॉमेक्स को एक बार देखते हैं, माइक्रो कॉमेक्स है, इसके बाद में अगर दूसरा कॉमेक्स बात करें सिंपल सिल्वर का फ्यूचर का कॉमेक्स है, इसमें ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। इसका ऑल टाइम हाई जो बना हुआ था 2020-21 का लेवल था, उसके आसपास कहीं है। इसने जो हाई लगाया है $30.35 के आसपास है और इसका जो हाई अभी लगाया है $29.95। तो अभी भी यहाँ भी एक थोड़ा सा नैरो जोन बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब मैंने आपके साथ एक ट्रेंड लाइन शेयर किया था फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर मेरे साथ वॉच कर रहे हैं तो यहाँ आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, दो ट्रेंड बनता हुआ जा रहा था। मैं सेल्फ भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन ये ट्रेंड ऐसा चल रहा था कि मार्केट को, जो मैंने ड्रा किया, मैंने प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, ये लगातार इसके आसपास हिट कर रहा था। तो ये जो जोन नैरो बन रहा था तभी हम इसको देख रहे थे कि हो सकता है हमें ये यहाँ पे मूव, बड़ा मूव देखने को मिले, और एक कंटिन्यू कंसोलिडेशन में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था पूरे एक साल से ज़्यादा के टाइम में। उसके बाद ब्रेकआउट ज़बरदस्त हुआ है और ज़बरदस्त होने के साथ में यहाँ देख रहे हैं लगभग ये अच्छे मूड में पहुँच चुका है। लेकिन अब इसको सिल्वर है, इसमें यहाँ पे डेटा ज़्यादा अवेलेबल है, अगर इसके कंपैरिजन में आप देखते हैं तो इम्पोर्टेंट लेवल अभी भी इसके लिए आने पेंडिंग है। 2020 में जब ये डाउन साइड आया था, हाई इसने लगाया है लगभग, जो हाई की बात कर लेते हैं, लगभग इसका जो हाई लगा है 2011 में लगा है, उससे पहले एक इसमें नैरो जोन में ही ट्रेडिंग कर रहा था। इसमें यहाँ पे मैक्सिमम डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 1996 से भी पहले के डेटा अवेलेबल है। अगर इन जितना हमारे पास डेटा रहेगा, क्योंकि जो हम ट्रेड करते हैं वो सिर्फ डेटा का ही गेम होता है, जितना अच्छा आपके डेटा पे पकड़ होगी उतना ज़बरदस्त मूव होगा। अब यहाँ देखते हैं कितना ज़बरदस्त कंसोलिडेशन किया, उसके बाद में ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे किया। ऑल टाइम हाई अगर बात कर लेते हैं तो सिल्वर ने लगभग 49 के आसपास लगा रखा है, और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है, मैंने आपके साथ ट्रेंड लाइन शेयर किया था, ट्रेंड लाइन की अगर बात कर लेते हैं उसका ब्रेकआउट हो गया है। अब इसको फर्दर नेक्स्ट ऊपर जो सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, जो सिल्वर है वो मेगा बोलते हैं उसको, मिनी उससे छोटा होता है और माइक्रो उससे छोटा होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये लगभग $30 के आसपास, 30.8 30.5 इसके आसपास बना हुआ है। अब इसके बाद अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, जो कि थोड़ा चांसेस कम है, अगर ये ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट को भी ऊपर आना पड़ेगा, ये कंडीशन है। दो चीज़ यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई इंडियन मार्केट है लेकिन अभी कॉमेक्स ऑल टाइम हाई पे नहीं बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, तो इसको आपको वॉच करना पड़ेगा, तभी इंडियन मार्केट को आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। रेंज को इसने ब्रेकआउट किया है और फाइनली सस्टेन भी किया है। अब हम सीधे चलते हैं माइक्रो पे, सिल्वर मिनी पे। सिल्वर मिनी की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो ये कंटिन्यू रैली इसके बना रखी है, अगर उस रैली की हम बात कर लेते हैं तो अच्छा ब्रेकआउट किया है ये, उस ब्रेकआउट को फाइनली सस्टेन भी किया है। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो ये जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है इस बेस में, अब ये फर्स्ट टाइम इतना ज़बरदस्त मूव करके MCX मूव कर रहा है।
तो इन सभी कंडीशंस के बेस में अगर हम फर्दर देखते हैं तो मिनी में अच्छे मूवमेंट के होने के साथ साथ अभी ये लगभग 85,000-86,000 का इसने अप्रॉक्स में हाई लगाया है और दोबारा से लगभग ये वहाँ से करेक्ट भी हो चुका है 3,000 पॉइंट के आसपास, और ये एक ऐसे जोन पे ट्रेड कर रहा है कि जहाँ से दोबारा से रिफ्लेक्शन आती हुई देखने को मिल सकती है। जो मैंने आपके साथ शेयर किया था मैक्सिमम हमारे पास पेनफुल एरिया 83,000 के थे, 83,000 के ऊपर ये निकला और फाइनली 86 का हाई लगाया, तो हमारे लिए ये दोनों भी दोबारा से एज ए रेजिस्टेंस का काम करेंगे और नीचे ट्रेंड लाइन जो ये चलती हुई जा रही थी दोबारा से इसको ब्रेक करेगा तो एक नया आपके लिए जोन क्रिएट करने वाला है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगा। अब थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए हमें एक जोन और नीचे जाना पड़ेगा। तो ग्लोबल कंडीशन और सारी सिचुएशन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट अभी भी रुका हुआ है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो जहाँ पे इसकी ट्रेडिंग है 81,500-86,000 ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिनी को देखने चाहिए। अगर जो अभी कैंडल बन रही है वीकली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे कहीं क्लोज करना स्टार्ट करता है तो थोड़ी वीकनेस जारी रहेगी और आपको आने वाले टाइम में 80,000 का भी लेवल हो सकता है देखने को मिले और फर्दर कंटिन्यू भी हो सकता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अगर कॉमेक्स ने इसका साथ दे दिया, वहाँ बाइंग मोमेंटम बनता रहा तो ये दोबारा से इसको साथ में लेकर चला जाए, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, पर्टिकुलर इंडियन मार्केट नहीं है, ग्लोबली ट्रेड होता है और ग्लोबली कंडीशन जब भी बनती है तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, साथ में जो गोल्ड की बाइंग होती है उसका इम्पैक्ट सिल्वर की बाइंग में भी होता है, क्योंकि ये बहुत सेफ साइड एसेट मानी जाती हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन भी अगर आता है तो उसको ये कवर कर लेती है। अगर इन्फ्लेशन का रेट मानते हैं लगभग 7% का है, 6-7% के अप्रॉक्स में, और इसका लगभग अप्रिसिएशन का रेट है मेटल्स का ये भी अप्रॉक्स इसके आसपास ही चलता हुआ देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करता है। अभी फिलहाल के लिए जो पिछले 2-3 महीने की ट्रेड हुई है अगर उसमें देखोगे तो लगभग 15% के आसपास, 12-15% के आसपास मूवमेंट हो चुका है। पर्टिकुलर अप्रैल मंथ में इसने लगभग 8% के अप्रॉक्स मूव किया है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन है जिन्होंने सेल करके बैठे हुए हैं। अगर ये दोबारा से निकलता है 81,500 के नीचे जो आपको वॉच करना है तो आपको एक नया लो लगभग 80,000 का भी देखने को मिल सकता है। जस्ट माय व्यू है, यहाँ ऐसा नहीं आप सेल करके बैठ जाएं फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करें, कंडीशन बेस्ड रहेगी, कंडीशन आपको वॉच करते रहना है। अगर कंडीशन का मतलब होता है ये जो रेंज इसने बना रखी है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, इस कैंडल को आपको वॉच करना है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक नया जोन 80,000 के आसपास हो सकता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि मार्केट कभी भी कोई भी मार्केट वन डायरेक्शन में मूव करता है तो थोड़ा पेनफुल होता है। हम भी ट्रेड करते हैं तो थोड़ा भी रिस्क को मैनेज करके ही प्लान करते हैं, क्योंकि ऐसे जोन पे जब भी ऊपर जाता है तो हमें प्रीवियस कैंडल का लो ट्रेल करना होता है, चाहे इक्विटी में करें या फिर कमोडिटी में करें, दोनों जगह पे रहता है, क्योंकि टेक्निकल लगभग लगभग बराबर से काम करता है। अब डिपेंड करता है कहीं पे कोई आवर्ली टाइम फ्रेम में वर्क करता है तो कहीं पे कुछ कंडीशन होती है आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में, कहीं बड़े टाइम फ्रेम में, तो टाइम आपको वॉच करना है। पर्टिकुलर एक कमोडिटी भी, पर्टिकुलर एक कोई स्टॉक को आप वॉच करेंगे किसी एक टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डेली, 4 आवरली और आवरली आपको डेली शेयर करता रहता हूँ, और जो हमारी वीकली एनालिसिस रहती है मंथली वीकली, क्योंकि हमें हमेशा एक स्टेप आगे जाके देखना होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर ये इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो फिलहाल के लिए एक नया लो हमारे लिए नीचे के लिए 80,000 तक का रेंज बनाएगा, उसके आसपास दोबारा से प्राइस पैटर्न बनता है और दोबारा से हिट करता रहता है तो यहाँ पे एक हमें नया जोन भी देखने को मिल सकता है, डाउन साइड के लिए भी हो सकता है 1-2 दिन में। लेकिन इन केस अगर 83,000 के ऊपर दोबारा से क्लोजिंग करना हो स्टार्ट करता तो ये फिर दोबारा से अपर साइड के भी रेंज के लिए ओपन रहेंगे। ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन है, यहाँ पे होप बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो रेंज को हमें मार्क करना है और अपने बेस में प्लानिंग करना है। इसके बाद 4 आवर सेटअप में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 4 आवर सेटअप में मार्केट अच्छे रेंज बनाया है, ये रेंज आपको दोबारा से मार्क कर लेनी है और जस्ट वेट करना है। अगर आप ट्रेडिंग भी करें तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बायर्स के लिए जो सेल करके नीचे बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस लगभग
जो कैंडल बनाई 4 आवर की, इसके ऊपर बनती हुई देखने को मिल रही है। अगर फिलहाल के लिए आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं देख रहे हैं, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के देख रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग के लिए दूसरा व्यू रहता है, उसमें आपको स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखने होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग तीसरी कैंडल ने पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी इतना गैप अप दोबारा उसी रेंज में आया। तीन कैंडल है, तीनों कैंडल का आप वॉलेटिलिटी देख लीजिए। दो में ज़बरदस्त फॉर्मेशन है, एक नीचे बनाता है 81,700 के आसपास, दूसरा हाई बनाता है 85,900 के आसपास। अब 4,000 पॉइंट का ये मोमेंटम आप देख सकते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में लगभग 1200 से 1300 पॉइंट का डाउन मूव। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ही रिस्क को मैनेज करके कम क्वांटिटी के साथ रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करिए, क्योंकि मार्केट यहीं रहने वाला है। इतना ज़बरदस्त रैली हुई, थोड़ा बहुत करेक्शन फेज आना बनता है, लेकिन कब आएगा ये कोई भी क्लियर नहीं बता सकता। हो सकता है मार्केट ओपन करे और यहाँ पे 81,700-81,600 तक आए, उसके बाद में दोबारा से रिवर्स हो जाए, तो रिवर्स हो जाए तो हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, लर्न कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली एनालिसिस के लिए मॉर्निंग की वीडियो जरूर वॉच करिए, उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन